दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हमारा मुद्दा है वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप से संबंधित है। इसमें जो हम आज अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं वो ये है कि सब जानते हैं कि जब पिछले चुनाव हुए थे तो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे और उनके अपोजिट बाइडेन चुनाव जीत गए थे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके हजारों समर्थकों ने उन चुनाव परिणामों को मानने से ही इनकार कर दिया था। न केवल इनकार किया था बल्कि हिंसा पर इतारू हो गए थे और कई सरकारी संस्थानों पर उन्होंने हमला भी किया था, जिसके लिए वहां की पुलिस और अन्य फोर्सेस को उनको बल का प्रयोग करके हटाना पड़ा था। बहुत ही पेचीदा स्थिति हो गई थी और ऐसा अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ था जब जो अमेरिका लोकतंत्र की दुहाई देता है, पूरी दुनिया में लोकतंत्र का अगुआ मानता है और वहीं पर चुनावों में किस तरीके से हिंसा हुई। न केवल हिंसा हुई बल्कि सरकारी इमारतों में तोड़फोड़ तक की गई और उन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप के कई समर्थकों और डोनाल्ड ट्रंप पर कई मुकदमे दर्ज हुए जिनका वो आज भी सामना कर रहे हैं। दोस्तों ये अलग मुद्दा है कि डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से भारत को क्या फायदा होगा, कितना फायदा होगा, चीन को कितना नुकसान होगा, या जो युद्ध की स्थितियां यूक्रेन और रशिया की हैं, मध्य पूर्व में जो तनाव चल रहा है, इज़राइल का जो मामला है वो किस करवट बैठेगा। लेकिन इतना जरूर तय है जब अमेरिका की जनता ने लोकतांत्रिक रूप से एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा किया है तो उनकी जो पहचान है सीधे सीधे बात करने की है, वो छिपाकर कम करते हैं और सीधे अपनी बात को कहते हैं, जो कई विशेषज्ञ मानते हैं कि उनको इस तरीके से सीधे सीधे बात नहीं कहनी चाहिए, डिप्लोमेटिक तरीके से कहनी चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैं कि मानते नहीं, जो जिस बारे में कहना है सरेआम कहना है, उसके लिए वो विख्यात हैं या कुख्यात हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मैं अभी नहीं जानता कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति एक बार फिर बनने से भारत को कितना फायदा होगा या चीन को कितना नुकसान होगा। लेकिन दोस्तों जहां डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति की कुर्सी एक बार फिर मिली अमेरिका में, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब उन पर दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं, आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उसके दौरान उनका राष्ट्रपति चुने जाना, जहां उनको व्यक्तिगत रूप से ख्याति प्राप्त करा रहा है लेकिन उनके निजी जीवन में भी उनको कई फायदे होंगे, इनके बारे में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। दोस्तों राष्ट्रपति पद पर रहते हुए और जो
चुनावों के दौरान हिंसा हुई, उसमें उन पर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 34 मामले, 34 मामले तो आपराधिक मामले, 34, ये संख्या बहुत ज्यादा है। बताया जाता है कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बीबीसी लंदन की रिपोर्टों के अनुसार और कई मीडिया हाउस के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप कई मामलों में बेल पर हैं, कई मामले अभी उन पर चल रहे हैं जिनसे उन्हें मुक्ति नहीं मिली है, और आर्थिक मामलों से जुड़े 34 मामले उन पर चल रहे हैं, और एक मामले में तो आने वाली 26 नवंबर इसी महीने उन पर फैसला, 26 नवंबर को उनको फैसला सुनाया जाएगा। न्यूयॉर्क के जज जुआन मर्चेंट ने सजा को 26 नवंबर 2024 यानी चुनाव के बाद तक के लिए टाल दिया था, लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ। अब देखने वाली बात ये है कि उस आपराधिक मामले में जो 26 नवंबर को सुनाया जाना है, और जुआन मर्चेंट जो जज हैं वो उस फैसले को सुनाएंगे, तो वो फैसला क्या होगा। दोस्तों, कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को उन मुकदमों में जेल तक हो सकती है, जेल तक जा सकते हैं। एक मामला तो बहुत ज्यादा चर्चित है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई आर्थिक अपराध भी किए, उनमें भी मतलब हेरा फेरी की। ये अभी जो पिछली जो मई गुजरी है 2024, गत मई में ही न्यूयॉर्क की एक जूरी अदालत ने एक पॉर्न स्टार को भारी राशि का भुगतान करने का मामला जो डोनाल्ड ट्रंप पर लगा था वो गंभीर मामला बताया जा रहा है, उसमें भी अभी फैसला आना बाकी है, और उसमें जो उसको भारी रकम अदा की गई वो किसकी थी, सरकारी खजाने से की गई, क्योंकि उन पर कई महिलाओं से वैसे संबंध बताए जाते हैं, बड़े शौकीन बताए जाते हैं महिलाओं के मामले में, तो उनमें से भी ये मामला है जिसमें एक पॉर्न स्टार को उसका मुंह बंद करने के लिए भारी भरकम उनको राशि भुगतान करनी पड़ी थी। दोस्तों, इसके अलावा जो दर्जनों मुकदमे हैं वो हिंसा में हैं, उन पर आरोप है कि उन्होंने ही अपने समर्थकों को हिंसा करने के लिए उकसाया था, उस भीड़ ने, उनके समर्थकों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा करने, तोड़फोड़ करने के आरोप लगे थे, भारी तोड़फोड़ की थी, उसमें भी कई मामले अभी पेंडिंग हैं, उनमें भी अभी फैसले आने बाकी हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप जानते हैं कि अमेरिका में कानून बहुत सख्त है, और वहाँ पर वो किसी का लिहाज नहीं करते कि कौन कितने बड़े पद पर है, कौन कितना अमीर है, कौन किस बड़े सरकारी पद पर बैठा हुआ है। मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ जो ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि वो मामले गंभीर थे, हैं, और उन पर कहा जा रहा है वो कई मामलों में बेल पर छूटे हुए हैं, अभी उनमें फैसले आने बाकी हैं, और कई जानकार आज भी ये कह रहे हैं कि उनको कुछ मामलों में जेल भी भेजा जा सकता है। तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति रहते हुए जेल की हवा खानी पड़ेगी?
कारण उन पर आरोप आर्थिक अपराध के भी हैं, हिंसा के भी हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जो ताकतवर लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे रास्ते होते हैं पतली गली से बच निकलने के। मैं नहीं कहता कि वो सभी मामलों में बरी हो जाएंगे और उनको हरी झंडी दे दी जाएगी, लेकिन अमेरिका के पूर्व फेडरल प्रोसिक्यूटर नीम रहमानी दावा कर रहे हैं कि अब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं और वो अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और 20 जनवरी को वो राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल लेंगे। और उनका दावा है कि जब तक 4 साल तक वो राष्ट्रपति की कुर्सी पर रहेंगे तो राष्ट्रपति के लिए कई छूट होती हैं कि उन पर कुछ मुकदमे खत्म हो जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति होने के कारण अपने खिलाफ कई मुकदमों को निरस्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों, कई और भी विशेषज्ञ हैं कि वो मुकदमे तो सारे खत्म नहीं होंगे, लेकिन जब तक वो 4 साल तक राष्ट्रपति की कुर्सी पर रहेंगे वो मामले पेंडिंग किए जा सकते हैं, ठंडे बस्ते में डाले जा सकते हैं, लेकिन पूर्णतः वो मुकदमे खत्म नहीं होंगे। और जब वो 4 साल के बाद राष्ट्रपति की कुर्सी से हटेंगे तो फिर नए सिरे से उन मुकदमों पर सुनवाई पुनः शुरू हो जाएगी। मतलब कुछ लोग तो कह रहे हैं, कानून विशेषज्ञ, कि अदालतें अपना काम नहीं रोकेंगी और वो प्रक्रिया चलती रहेगी। जो आने वाली 26 नवंबर को जो फैसला आना है शायद वो भी टाल दिया जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं होगा। और वो इन अपराधों से फिलहाल जेल जाने से बचे रह सकते हैं, लेकिन तब तक जब तक वो राष्ट्रपति बने रहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि किसको कितना नुकसान, किस देश को या अमेरिका में किन लोगों को उनके राष्ट्रपति बनने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये मुद्दा अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हैं, जानकारों का मानना है, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि तब तक वो जेल जाने से बचे रहेंगे, लेकिन मुकदमों से उनका पीछा नहीं छूटेगा। 4 साल बाद भी उन मुकदमों पर सुनवाई जारी रहेगी और गुण और दोष के आधार पर जो भी फैसला होगा डोनाल्ड ट्रंप को 4 साल के बाद उनमें सजा सुनाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से खुद उनको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं और वो जेल जाने से बचने वाले हैं। जिन मुकदमों में उनको सजा सुनाई जानी थी उनमें भी फिलहाल उनको राहत मिलती दिख रही है। तो दोस्तों, ये लीक से हटकर मामला था, इसलिए ये मैंने अपने दर्शकों के सामने रखा कि डोनाल्ड ट्रंप को उन संभावित मुकदमों में जेल तक हो सकती है।
लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति रहते हुए ये मामले पेंडिंग रहेंगे। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं फिर कल किसी नए मुद्दे पर नए एपिसोड में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।